आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग किया जाता है। इसके चलते राखी बांधने के लिए क्या है शुभ मुहूर्त, आज बताएंगे पंडित शील भूषण जी। शुभ समय दोपहर, और साथ ही आज के हमारे एपिसोड में क्या है खास, चलिए जानते हैं। आज के हमारे एपिसोड में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, कैसे संकट में डाल सकता है भद्रा, कैसा होगा आपका आज का दिन, आज किस समय करें अपने जरूरी काम, और आज का पंचांग भी जानेंगे। आप हमारे शो में अपनी हर परेशानी से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित शील भूषण शर्मा जी। पंडित जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का पंचांग। आज 29 अगस्त 2015 दिन शनिवार, विक्रम संवत का 2072वां वर्ष, श्रावण मास की पूर्णिमा। आज श्रावणी पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्योहार। भद्रा आज दोपहर 1:39 तक, इस कारण 1:39 तक शुभ कार्यों का योग नहीं है। धनिष्ठा नक्षत्र में और इस नाते कुंभ राशि में चंद्रदेव का संचरण चल रहा है। पूर्व दिशा की ओर शनिवार होने के कारण दिक्शूल बना है। पूर्व दिशा की लंबी यात्रा से बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताएंगे वो मुहूर्त जिसमें आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। पंडित जी, क्या है आज का गुड लक? रक्षाबंधन स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। दिन 1:39 तक भद्रा काल है, उसके बाद आप आराम से 1:39 से रात्रि 12:32 तक कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य का आयोजन कर सकते हैं, किसी भी अनुष्ठान का आयोजन कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष जातकों के लिए आर्थिक बचत में वृद्धि के योग बने हुए हैं। प्रवास में सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। मित्रों के साथ सामाजिक कार्यों में दिन व्यतीत होगा। मित्रों की मंडली में आज नए सदस्य जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ जातकों के लिए परिश्रम का अनुकूल फल मिलेगा। व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं। कानूनी संकट से उबरने के भी संकेत हैं, लेकिन सरकारी निर्णय पक्ष में आएगा, ऐसी उम्मीद है आज आपको। और चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल। मिथुन जातकों के लिए आज आय से अधिक व्यय के योग बने हुए हैं। दिनचर्या थोड़ी अव्यवस्थित तो हो सकती है आज आपकी। रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आज धंधे की चर्चा से बचना चाहिए आपको। और चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क जातकों के लिए कई दिनों से फंसा हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना है। भोजन पर संयम रखें, अनावश्यक क्रोध बना रह सकता है। परिवार में झूठे बहाने न बनाएं, असम्मान हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल। सिंह जातकों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होने की संभावना भी आज बनी हुई है। सांसारिक विषयों में आपका व्यवहार उदासीन रह सकता है। ऑफिस के माहौल में आप किसी तरह का परिवर्तन करने की चेष्टा ना करें तो बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का ये दिन कैसा रहेगा। कन्या जातकों के लिए पारिवारिक जिम्मेवारी पर आज ध्यान दें आप। परिश्रम का फल आपके अनुकूल नहीं भी हो सकता है,
ऑफिस में सहकर्मी सहायक सिद्ध होंगे और इसलिए उनका साथ ले प्रतिस्पर्धा में व्यवसायिक हानि उठा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए। चले पढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं तुला राशि की कि उसका दिन आज कैसा रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए नए लोगों से मेल जोल हानिकारक होने की आशंका है, उधर रोगों से परेशानी भी संभव है। आज कल्पनाशीलता आपकी निखरती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन तर्क वितर्कों में मन को भटकने नहीं दें तो बेहतर होगा। और चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक जातकों के लिए आर्थिक योग मध्यम रहेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर आप आज नजर बनाए रखें, ध्यान रखना आवश्यक है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई पड़ रहा है, व्यावसायिक नुकसान की आशंका बनी हुई है, इसलिए व्यावसायिक पक्ष में सतर्क रहना आवश्यक है। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। धनु जातकों के लिए विवादों से नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है, कार्य विस्तार की योजनाएं बनाएंगे आप, शत्रु आपके विपक्ष में षड्यंत्र भी करते दिखाई पड़ रहे हैं, अधिकारियों का सहयोग साथ आज मिलेगा आपको, ऐसा सितारों का संकेत है। और अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर जातकों के लिए परिवार की समस्याओं की अनदेखी ठीक नहीं है, कर्मचारियों को खुश रखें जो खासकर अधीनस्थ हैं, राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलने के पूरे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आपसी रिश्ते में कुछ कमजोरी आती दिखाई पड़ रही है और इस पर ओर ध्यान देना आज के दिन आवश्यक है। चलिए जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातक का आज क्या उपाय करें। कुंभ जातकों के लिए भोग विलास में रुचि बढ़ती दिखाई पड़ रही है, आत्मविश्वास आपका ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, भरपूर आत्मविश्वास आप में आज, व्यवहार थोड़ा असंजत हो सकता है, इस आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से बचना चाहिए। स्थान परिवर्तन की संभावना बनी हुई है जो आपके पक्ष में अच्छी होगी। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। मीन जातकों के लिए व्यापार में प्रगति के योग दिखाई पड़ रहे हैं, संतान की प्रगति से भी मन प्रसन्न रहेगा आज आपका, थोड़ा मन चिड़चिड़ा हो सकता है ऑफिस के काम से और घर का बजट सुधरता दिखाई पड़ रहा है। और हमारे साथ हमारे अगले दर्शक अनिल जुड़ चुके हैं। जी अनिल, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार अनिल जी, बताएं। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1985 जी। समय है मेरा सुबह के 7:58 जी। और फरीदाबाद मेरा जन्म स्थान। फरीदाबाद जी। बोले, मुझे ये पूछना था कि मेरे आने वाले कल में मेरे लिए जॉब की क्या है, मतलब किस सेक्टर में जा सकता हूँ कुछ। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो कुंडली आपकी बनी हुई है उसके अष्टम भाव में राहु संचरित हो रहा है, गोचर कर रहा है आपकी राशि के, आपकी कुंभ राशि है, लग्न आपका तुला है। आने वाले समय में आपका जिस सेक्टर में चल रहे हैं, क्योंकि बुध बैठा हुआ है, भाग्येश है आपका और चंद्रमा आपका दशमेश है, इसलिए सेक्टर बदलने के, खासकर मार्केटिंग सेक्टर में जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपके अपना व्यापार भी होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक विशेष बात, क्योंकि चंद्रमा नौमांस में वृश्चिक राशि का है, इसलिए आप अगर आपने रेस्टोरेंट की ओर ध्यान दिया तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली दर्शक प्रियंका गाजियाबाद से जुड़ गई हमारे साथ। जी प्रियंका, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार प्रियंका जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई से ना बहुत लड़ाई होती है, तो किस वजह से होती है और क्यों नहीं बन पाती हमारी। भाई से लड़ाई होती है? हाँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 नवम्बर 1987। 5 नवम्बर 1987। हाँ। समय शाम को 6:10। कहाँ का? दिल्ली।
देखिए ऐसा है कि भाई से ऐसा कोई ऐसी कोई लड़ाई बहुत बड़ी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है आपके तृतीय भाव पर, इसलिए छोटे भाई से सामान्य रूप से जो नोकझोंक बनी रहती है वो बनी रहेगी। गुरु और राहु एक साथ युक्त हैं और दोनों की दृष्टि पर तृतीय भाव पर भाई के भाव बनी हुई है, इसलिए एक सामान्य सा छोटा सा उपाय करना चाहिए। काले तिल मिलाकर दूध में भगवान शंकर को शनिवार के शनिवार रांग राहवे नमः नमः शिवाय ये मंत्र बोलते हुए रांग राहवे नमः नमः शिवाय बोलते भगवान शंकर को चढ़ा दें। राहु का दोष मिट होगा, भाई से प्रीति बढ़ जाएगी। अगली दर्शक हमारे साथ सविता नोएडा से जुड़ गई हैं। सविता बताएं कि सवाल है आपका। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम सविता है। नमस्कार, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ जी। मुझे अपने भाई के लिए सवाल करना था जी। मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ ठीक से डेट ऑफ हाँ जी बोले हाँ उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता है, उसके लिए बता दीजिए कुछ। डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई। 9 जुलाई क्या? 1990। समय? समय सुबह 8:30 बजे। देखिए जो स्वास्थ्य की बात है, ऐसा समझ लें कि राहु की चल रही दशा छठे भाव में राहु चंद्रमा के साथ युक्त है। एक तो मानसिक दृढ़ता में कुछ कमी है और दूसरी बात है कि जो पेट की संबंधी उदर संबंधी रोग दिक्कत पहुंचा रहे हैं, खासकर ये जो ग्रासनली है उसमें दिक्कत है। और इसके लिए एक सहज उपाय है, ललिता सहस्र नाम का पाठ करते हुए माता दुर्गा की आरती करनी। ललिता सहस्र नाम का पाठ करते हुए माता दुर्गा की आरती करनी और दूसरा बटुक भैरव के मंत्रों का जप करना। इनमें से जो भी कर सके, दोनों कर सके तो बहुत बेहतर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ पूरन जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से। जी पूरन बताएं कि सवाल है आपका। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पूरन जी। पंडित जी मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/5/1985 जी, और जन्म स्थान है मेरा लखीमपुर खीरी जी। मेरा जन्म समय है सुबह के 9:45 मिनट जी। क्या जानना चाहते हैं पूरन जी? मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना था और आगे का करियर मेरा कैसा रहेगा। देखिए आपका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है और जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। इस समय वृश्चिक राशि में जिस समय जन्म हुआ था उस समय वृश्चिक राशि में शनि थे। आज जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो वृश्चिक राशि में शनि है, शनि की 7.5 और केतु की दशा। केतु पंचम भाव में अच्छे नहीं माने जाते। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, निरंतर जप करना, रोज जप करना, कम से कम एक माला रुद्राक्ष पर भगवान शंकर को जल चढ़ाना, एक लोटा काले और सफेद तिल डालकर भगवान का अभिषेक रोज कर पाए तो ठीक। शनिवार के शनिवार अवश्य करें। आगे करियर डिपेंड करता है आपके इन दो उपायों पर, करेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफी लाभ होगा, काफी अच्छा होगा। इस समय थोड़ी सी स्थितियां विपरीत है, इन विपरीत स्थिति से बचने का प्रयास करना। तो हमारे साथ हमारी अगली दर्शक पूर्वी जुड़ चुकी हैं। जी पूर्वी बताएं कि सवाल है आपका। हेलो पंडित जी, मेरा नाम पूर्वी है जी। मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मुझे अपने दोस्त के लिए एक सवाल करना था जी। डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई जी 1986 जी। हाँ जी पंडित जी, इनकी शादी कब तक हो जाएगी? समय बताएं। समय शाम का, एग्जैक्ट पता नहीं है। एक बार और बता दें कि ये महिला है या पुरुष? ये पुरुष है। देखिए जो समय आपने जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो कन्या राशि है और शादी की जो संभावना बन रही है, जो अच्छी राशि शादी की संभावना बन रही है, अगले वर्ष जून महीने के बाद बन रही है। लेकिन वैसे इनके शादी की संभावना इस साल माने पिछले साल नवंबर के बाद से बनी हुई थी, योग बहुत अच्छे थे। तो अगर शादी नहीं हुई किसी कारणों से तो शादी की संभावना बन रही है अगले साल जून के बाद। चलिए अब जान लेते हैं आज का क्या उपाय। आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आपका बहुत अच्छा हो। रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म के आज दिन है। श्रावणी का उपाकर्म और रक्षाबंधन के बारे में कहा गया है, शास्त्रों ने कहा है भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी था। भद्रा काल में श्रावण पूर्णिमा के उत्सव और फाल्गुन पूर्णिमा के विधि विधान
यानी जैसे फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन करते हैं, ये दोनों नहीं करने चाहिए। ध्यान रहे ऐसा करने पर, भद्रायाम इसमें करने पर सामान्य रूप से राज्य और राजा की क्षति होने के संकेत मिलते हैं। आज भद्रा काल 1:39 दोपहर तक है, अतः 1:39 दोपहर के बाद ही रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म इस समय के बाद ही करना श्रेयस्कर होगा। राखी का रंग एक विशेष बात समझ लें कि कई बार हम सोचते हैं राखी का रंग कैसा होना चाहिए, मेष राशि के बहन कैसा बांधेगी, वृष राशि का भाई क्या उपहार देगा। ध्यान रहे राखी का रंग और बहनों को दिया जाने वाला उपहार ये राशि पर निर्भर नहीं करता। बहने अपने मन के अनुरूप अपने भाइयों के स्वास्थ्य और आयुष्य के लिए जिस भी रंग का राखी बांध देंगी वो राखी रक्षा सूत्र बन जाएगा भाई के लिए, और भाई जो भी उपहार देंगे अपनी बहनों के लिए वो घर के कल्याण का कारक बन जाएगा। इसलिए राशियों के अनुसार वहम में पढ़ना ठीक नहीं है। आज वेदाध्ययन का वेद पढ़ाई करने वाले जो वेद बटुक हैं उनके लिए वेदाध्ययन का आरंभ काल होगा। आज चूंकि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में आता है। कई बार सावन भादो के महीने में अच्छे मुहूर्त नहीं मिल पाते, तो आज भद्रा काल के बाद यानी दिन के एक दोपहर के 1:39 के बाद आप जो हरिशयनी होने के कारण, दक्षिणायन सूर्य होने के कारण या अन्य किसी भी कारण से कोई मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो आपको किसी काम को, शुभ काम को शुरुआत करने के लिए, तो आज दोपहर 1:39 के बाद भद्रा खत्म होती है। उसके बाद आप अपने सारे कर्म शास्त्रीय विधि विधान से कर सकते हैं। ध्यान रहे कल से भादो का की शुरुआत हो रही है, भाद्रपद मास की शुरुआत हो रही है, और कहा गया है दधिम भाद्रपदे त्यजेत, दही भादो के महीने में नहीं खाना चाहिए। सामान्य रूप से भादो में दही नहीं खाने का वैज्ञानिक भी आधार है, क्योंकि इस समय काफी ज्यादा जो वातावरण होता है वो बैक्टीरिया प्रोन होता है, काफी फ्रेंडली होता है, और इससे बहुत तेजी से बैक्टीरियल इवोल्यूशन होते हैं। इस कारण से भादो के महीने में दही का शास्त्रीय निषेध है कि पूरे भादो के महीने तक आपको दही का नहीं करना चाहिए उपयोग। रक्षाबंधन आप करेंगे, रक्षाबंधन बहने करती हैं, भाइयों को बांधती हैं, पहले पूर्ण कुंभ पर अधिष्ठित उमा महेश्वर, वरुण देवता और गौरी गणेश की पूजा कर ले, लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि भगवान विष्णु का ही ये नक्षत्र होता है, इस कारण भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कर ले। पूर्ण कुंभ की पूजा करने के बाद पूर्ण कुंभ को ही राखी चढ़ाएं, वहां पर आयु और आरोग्य का, भाई के आयुष्य का वरदान पूर्ण कुंभ पर अधिष्ठित भगवान से मांगे। वो जो राखी आप उनको निवेदित करेंगे वो राखी ही भगवान आप बांधेंगे अपने भाई की दाहिनी कलाई पर। एक विशेष बात का और ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो पिनियल ग्लैंड्स हैं, इन पिनियल ग्लैंड्स को आइसोलेट करने के लिए हवा से बिल्कुल दूर रहे, इसके लिए आवश्यक है कि एक कवच होना चाहिए। तो सर पर सामान्य परिपाटी है और उसका ध्यान भी रखना चाहिए, नया रुमाल या धुला हुआ वस्त्र माथे पर अवश्य रहे ताकि पिनियल ग्लैंड्स आइसोलेट हो जाएं। ऐसा करें तो राखी आपके लिए काफी अच्छा, आपके भाइयों के लिए वरदान देकर आयुष्य का, आरोग्य का वरदान देने वाली सिद्ध होगी ये राखी, और आप जो भी मांगेंगे भगवान से अपने भाइयों के लिए वो मिलेगा। भाइयों का ये, भाई बहनों का ये लोक त्योहार सिर्फ अकेला ऐसा त्योहार है पूरे देश में जिसमें राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने भाई को प्रस्तुत करने के लिए बहने भगवान से वरदान मांगती है और बहनों भाइयों को वचनबद्ध करती हैं। इसलिए रक्षाबंधन का ये त्योहार हम सब के लिए, आपके लिए अच्छा हो, इसकी शुभकामना के साथ रक्षाबंधन मनाएं, देश के लिए अच्छा हो, ऐसी ही कामना मन में रहनी चाहिए। ये था आज का महा उपाय। उसके बाद हमारी कॉलर प्रियंका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी प्रियंका, बताएं क्या सवाल है आपका। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार प्रियंका जी। पंडित जी, दरअसल मैं अपने थोड़ा भविष्य के बारे में जानना चाहती थी कि आगे चल के फ्यूचर में जॉब में क्या कुछ रहेगा और आगे फ्यूचर में क्या कुछ बदलाव चेंजेस होने वाले हैं। आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 मार्च जी 1985 जी, और क्या बोल, हाँ, और शाम का समय 6 बजे के बाद। 6 बजे शाम का, कहाँ का? लखनऊ।
देखिए ऐसा है कि जो आपने जन्म समय दिया है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके लिए इस समय का जो समय है वो कोई बहुत तनाव भरा नहीं दिख रहा है, बहुत ही बुरा नहीं दिख रहा है। एक विशेष बात का और ध्यान रखें कि चूंकि गुरु नीच के हैं आपके छठे भाव में और मंगल बैठे हुए आपके आठवें भाव में, दाम्पत्य जीवन के लिए, ये जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए, शादी के बाद या शादी की शुरुआत के लिए अच्छे योग नहीं है। मिथुन राशि में और सिंह लग्न में जन्म होने का, सिंह सूर्य बैठा हुआ है लग्न को देख रहा है, राजयोगकारी बना हुआ है, इसलिए भगवान सूर्य की नियमित उपासना और घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित जप, या अगर इस मंत्र के अलावा आप आदित्य हृदय पुत्र का पाठ कर सके तो आपके लिए बेहतर होगा। आने वाला समय शनि चूंकि आपके महादशा में चल रहे हैं तो शनि की महादशा में हनुमान जी का की पूजा करते रहें। शनि की महादशा में जब मंगल की अंतरदशा 2016 के अगस्त महीने में आ रही है, जॉब चेंज करने को सोचेंगी उस समय, अच्छा चेंज होगा, उसके बाद लगातार वृद्धि होती रहेगी, लेकिन सूर्य की प्रतिष्ठा यानी भगवान सूर्य को अर्घ देना ना भूलें, निश्चित रूप से जीवन आपका बेहतर होगा। अगले दर्शक हमारे साथ अंकुर जुड़ चुके हैं, अंकुर बताएं क्या सवाल है आपका। मैं मेन ओपनी लग पा रही जी। अंकुर अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं पहले। हाँ, 13 मई 1993 जी। हाँ जी। समय? समय 7:15 शाम के। 7:15 शाम, कहाँ था? गाजियाबाद। देखिए राहु की दशा खत्म हो रही है सितंबर 2015 के, राहु बैठा हुआ लग्न में और राहु लग्न में अगर बैठता है तो निश्चित रूप से एक ही देता है, विद्या विवाद आय। विद्या जो है विवाद के लिए, हर वक्त कुछ चिड़चिड़ापन, हर वक्त किसी बात को लेकर के अड़ना, किसी बात पर मिथ्या बहस करना, ध्यान रहे ये विवाद ठीक नहीं होता। और मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, गुरु आपके 12वें बैठे हुए हैं, पंचमेश होकर विद्या भाव कुट में थोड़ी सी परिश्रम करनी पड़ेगी। वैसे नौकरी के जो योग हैं वो आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, सर नौकरी के योग नवंबर के बाद बनेंगे, वैसे छोटी मोटी नौकरियां एक साल पहले से शुरुआत हो जानी चाहिए, लेकिन मन की रुचि के लायक जो स्थिरता आएगी वो नवंबर के बाद आएगी, फरवरी मार्च होते होते स्थिरता बिल्कुल स्थिर हो जाएगी। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद, नमस्कार।